हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ सुना। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ तो 50 मिलीमीटर लग जाएगा आपका। जी, ठीक है हाँ मैं लगवाना आऊंगा खुद। जी। अच्छा, वैसे मैं जानना नहीं कहीं मैं जी हूँ, वैसे मैं लगवाना आऊंगा। ठीक है आजी। हाँ जी, पालटी कैसे दोगे आप मेरी? पालटी कैसे दोगे? पार्टी बता दीजिए, आपको क्या चाहिए पार्टी में? बता, मैं ला दूंगी, बताइए। कमाल, आप समझदार हो। जी, समझदार के दारू वारू लेके आऊँ? हाँ दारू चाहिए? हाँ आती हूँ। आप दर्जी हो? जी, आप क्यों दारू? नहीं, मैं तो नहीं पीती। फिर मैं ये क्यों बात करी अपने दारू ले आऊं? मैं मैं कहा आप पीते हो? आप तो पीता हूँ रोज, मेरा तो काम ही ऐसा है ड्यूटी का। अच्छा तो बता दीजिए, मैं आपके लिए मंगा दूंगी। फिर ऐसे मॉल मतलब की आपके पास बैठती हूँ, हाँ जी, नहीं ऐसे मॉल मतलब की सकता जहाँ सारा परिवार होगा। नहीं सारा परिवार तो, ये तो मैंने कूलर वूलर करवाया था, बच्चे इसलिए आ गए थे। अच्छा हाँ जी, देखो मेरी पार्टी तो मुझे दो, हाँ जी, आपको पूरा फायदा करूंगा मैं, पूरा जो मेरे अच्छा बस को होगा। अच्छा जी। हाँ तो आप बता दीजिए ना, खुल के बता दीजिए, आपको पार्टी में क्या चाहिए? ओहो, समझदार को थोड़ी बताया जाता है। नहीं, समझदार तो ठीक है, लेकिन पता भी तो लगना चाहिए ना कि सामने वाला एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। ये तो समझने वाले को समझना चाहिए ना। समझने वाले तो समझ जाते हैं सर, लेकिन बताने वाले को भी बताना चाहिए ना। समझदारी से तो सर काम बनता नहीं है। बस आप समझिए, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, पहले आप राशन कार्ड का भी करवा दीजिए हमारा। अच्छा नहीं, सारी सरकार ने भी आपने बिजली का कहा था, और मैं आपको कल मीटर लगवा दूंगा। देख लो, आपकी सिर्फ सिक्योरिटी ली मैंने 2500 रुपये। चलिए ठीक है, मैंने आपसे कोई एक्स्ट्रा लिए, और देरी से बड़ी मम्मी के पैसे खड़े 16,000 रुपये, वो भी मैंने इग्नोर करवा दिए। चलिए ठीक है फिर, आपने हमारी मदद करी, हम भी आपके बारे में सोचेंगे। सोचो फिर राशन कार्ड का, फिर बोलूंगा राशन कार्ड ऐसा बनवा लूँ, आपको सारा कुछ मिलेगा। जरूर जी, ठीक है। अब मैंने कर पहले पहले मैंने कर दिया, अब आपका है। अगर आप कर देते हो फिर मैं करूँगा। ठीक ठीक है जी, अभी तो बच्चे हैं, मैं खुल के बात नहीं कर सकती, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है, चलो बाद में बात कर लीजिए। कई बार है जी। ऐसा मेरी बात सुनो, हम लोग मेरा दिमाग ऐसा, हम जान देने वाले बंदे हैं। हाँ अच्छा जी, ठीक है जी। ठीक है जी। 1000 रुपये का बिल पेंडेंट पड़ा था, तो कहता कि मैंने माफ करवा दिया है, ये करवा दिया है। मैंने सोचा चलो भी, मेरे ससुर जितने उम्र के हैं मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी कोई गलत इम्यूनिटी है, भाई वो हाँ मुझसे कुछ और चाहता है। अगर मुझे पहले कुछ ऐसे पता होता तो शायद मैं सारी रिकॉर्डिंग करके रखती, लेकिन मुझे उसकी नीयत का बाद में पता चला। तो किस पोस्ट पे है ये, कहाँ पर काम करता है जी? जी इंद्री के ये विद्युत विभाग है, उसमें काम करता है। वैसे तो कहता है मैं जेई हूँ, लेकिन उस बारे में मुझे पूरा नहीं पता कि ये जेई है क्या क्या है। सरकारी अधिकारी है? हाँ जी। तो किस तरह की बात करी है इसने, क्या इशारे किए आपको गलत? कहता है कि मुझे अकेले में मिल, मैं ये करवा दूंगा, मैं तेरा साथ निभाऊंगा, मैं तेरा कोटे का राशन बनवा दूंगा, तेरी सारी मदद करूंगा, तू मुझे खुश रख, मैं तुझे खुश रखूंगा। तब मैंने इसको लताड़ा था, तब मैं सरपंच जी के पास भी गई थी अपनी शिकायत लेके, आपके और मेरी बात बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरी भावनाएं उन्हें समझो। उसने तो मुझे अकेला सोचा कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे आप? मैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहूंगी, कि अच्छी तरीके से किसी भी आगे भविष्य की है जी, इसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि सफाई होना चाहिए जी। कौन है ये, क्या नाम है इसका? ये श्री चंद जी। किस पोस्ट पे है ये? बिजली पे। बिजली विभाग में है? हाँ जी, हाँ कितने जी, सालों से काम कर रहा है? तो लगता नहीं शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हो उसको? जिसने 5-6 वारदातें ऐसी की जी, जो ननियों के साथ की। तो जय है सर, ये क्या है यहाँ? ये फोरमैन है जी, जय बताता है आपका। मीटर लाने की अथॉरिटी है इसको।
देख इसको सजा मिलनी चाहिए, ये इसको इस पद से भी हटाना चाहिए। इसके पास राशन कार्ड का कोटा है, औरतों के साथ ये गलत गलत हरकतें करते हैं। और इसी किसी को आप सुन भी चुके हैं उसकी बात भी, उन्होंने क्या कहा ऐसी, उसको राशन कार्ड भी, इसके बच्चे इसके लड़के के पास राशन कार्ड है और ये ऐसी हरकत कई बार कर चुका है। और इसको हम तो कह रहे हैं भी इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी, इसको इस पद से हटाना चाहिए, इसका कोटा भी उठना चाहिए। तो मीटर लगवाने के बाद महिला को गलत बातें कर रहा है। हाँ, उसको उनको नहीं पता भी ये क्या कह रहे हैं, उसको पैसे मांग रहे हैं, ये शराब मांग रहे हैं, और उसको आपने सुन लिया ऑडियो में क्या क्या कर रहे हैं, वो ऐसे हरकत कई बार कर चुका है। ये मैं झूठ कहूँ, मैंने कहा अभी घर के अंदर ना बढ़िए ना लग रही, बोला ला पीछा हट, छोकरे थे इन्हें धक्का दिया, मार पिटाई हुई, घर गई मैं सिर ये गाँव बस्ती की बात आ, कोई बात नहीं हो जग रहा है ऐसी तो। अरे तू आराम से बैठ, 10,000 रुपये ले लिया, अगले दिन तार पकड़वा दी, कोटे में जावा पैसे दे, कहाँ ते ले आवा पैसे। तो इस बेटी के साथ क्या किया? इस बेटी के साथ भी ऐसे सोचे था कि मेरे उसमें होनी चाहिए, बेटी ना पता था, मर पे एक दो बात ही ना सुनी ही थी, जो ही ना पहला ऐसा पता होता भी मैंने भी ऐसे काम करना तो ये तो उन्हें बिठा लेंदी, उन्हें पता था क्यों बिठा दिया, इसके तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जी, ना तो इना कोटा। लगता है ऐसे लोग समाज में रहने के लायक है? कुछ भी नहीं है, जुत्तो पिटा माफी मांगेगा, मुन्ना माफी देगा जुत्ता गेल, ठीक है। ये भी इतना पैसा बरका है 4 लाख, इसी कारण में जो आज ही करना सोच रहा था। अधिकारी नहीं आया? नहीं, अधिकारी वो है नहीं, जो जा रहे हैं कहीं। कहाँ नौकरी करता है वो? ये सिरचन जी, वो इंद्री है जी, अपना गांव, इसका मीटर लगाने का काम है जी। बिजली विभाग में नौकरी? बिजली विभाग में। जेई है या क्या है? ये फोरमैन है जी। जेई बताता है अपने आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की कार्रवाई के चाहेंगे आप? सुमन बिट्टू को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत घटिया बात करिए जी, आपके सामने है जी, सबके सामने है जी, तो गलत है जी।